नमस्कार, रोली फैक्ट्स एंड मोटिवेशनल चैनल में आप सभी का स्वागत है। हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू। नव वर्ष की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इन दिनों दुनिया में जोरों से एक बार फिर चर्चा में है कोरोना के नए वेरिएंट जो ओमिक्रॉन है, उसकी चर्चा हो रही है। इससे पहले डेल्टा आकर जा चुका है। डेल्टा और ओमिक्रॉन की बात करें तो आजकल एक नया नाम चर्चा में है, डेल्मिक्रॉन, मतलब डेल्टा प्लस ओमिक्रॉन। डेल्टा और ओमिक्रॉन दोनों के फीचर्स को एक साथ लेकर आ चुका है डेल्मिक्रॉन। आपको जानना चाहिए, एक न्यूज़ निकल कर आई है यूके और यूएस में ओमिक्रॉन को लेकर, कि वहां पर लोगों में डेल्टा और ओमिक्रॉन दोनों ही के लक्षण देखने को मिल रहे हैं, जिसको नाम दिया गया है डेल्मिक्रॉन का। यानी डेल्मिक्रॉन नाम का जो नया वेरिएंट है वही यूके और यूरोप में कोविड के केस को बढ़ा रहा है। मतलब वहाँ पर कोविड के जो केस बढ़ रहे हैं उसका कारण ओमिक्रॉन बिल्कुल नहीं है बल्कि डेल्मिक्रॉन है। और हाँ, यहाँ पर ये जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है कि इस खबर की पुष्टि पर WHO ने अपना कोई भी बयान नहीं दिया है और ना ही इंडियन काउंसिल ने कुछ बोला है। ये खबर अखबारों से निकल कर आ रही है कि डेल्टा और ओमिक्रॉन दोनों के फीचर्स देखने को मिल रहे हैं तो डेल्मिक्रॉन होगा। इसमें कहा जा रहा है कि जिसमें इम्यूनिटी कम है और बुजुर्गों पर इसका सबसे ज़्यादा असर देखने को मिल रहा है। यूके और यूएस में निरंतर डेल्मिक्रॉन के केसेस बढ़ रहे हैं। साउथ अफ्रीका में भी डेल्मिक्रॉन तेजी से फैल रहा है। ऐसे में जो अनवैक्सीनेटेड हैं उनमें डेल्मिक्रॉन फैलने का सबसे अधिक खतरा है। और भारत में भी अभी भी बहुत से लोग अनवैक्सीनेटेड हैं, जिसके कारण उनमें ये फैलने के चांसेस हैं। डेल्मिक्रॉन आने वाले समय के लिए खतरा हो सकता है, पर इंडिया ने अभी इसे रिकॉग्नाइज्ड नहीं किया है। अगर हम बात करें ओमिक्रॉन की, तो ये डेल्टा वेरिएंट से 5 गुना अधिक संक्रामक है। डेल्टा जो कि 100 दिनों में फैल रहा था, ओमिक्रॉन 15 दिनों में उतना ही फैल जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि संक्रमण अगर हो भी रहा है तो टेस्टिंग में इसका कुछ भी पता नहीं चल रहा है। भारत की अगर हम बात करें तो 2/3 भाग में ओमिक्रॉन फैल चुका है। नंबर 1 पर यूके है, जहां पर 90,000 के लगभग केसेस हैं। भारत में लगभग 362 केस ओमिक्रॉन के हैं। ऐसी स्थिति में कई जगहों पर सरकारों ने फिर से बंदिशें लगाना शुरू कर दिया है। यूपी सरकार ने बोला है कि यूपी में आने वाले हर व्यक्ति की पहले टेस्टिंग होगी फिर एंट्री है। यूपी में नोएडा लखनऊ में धारा 144 लागू कर दी गई है। ऐसे में चर्चा में है कि हमने जो वैक्सीन लगवा रखी है क्या वह ओमिक्रॉन पर कारगर है भी या नहीं। तो ब्रिटेन में की गई स्टडी बताती है कि बूस्टर डोज हॉस्पिटलाइजेशन रोकने में 93% और गंभीर लक्षणों को रोकने में 92% कारगर है। जो वैक्सीन एंटीबॉडीज़ बढ़ाने के लिए हमने लगवा रखी है, अगर उससे भी ज़्यादा एंटीबॉडीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो बूस्टर डोज लगवाने की ज़रूरत पड़ेगी। और फिलहाल कई राज्य सरकारों ने भी बूस्टर डोज की डिमांड कर दी है। ऐसी स्थिति में मैं आशा करती हूँ कि आप सभी सावधानी पूर्वक अपने काम करेंगे, मास्क का यूज़ ज़रूर करेंगे और वैक्सीनेशन जरूर करवाएंगे। उम्मीद है आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। कोरोना के इस नए वेरिएंट के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट्स बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो स्क्रीन पर दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमें सब्सक्राइब करें। लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।